खटीमा विधानसभा 70 क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भुवन कापड़ी ने खटीमा स्थित राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बूथ नंबर 9 पर जाकर सुबह 11:15 बजे मतदान किया। इस दौरान उनकी पत्नी कविता कापड़ी भी मौजूद रही, उन्होंने भी विधानसभा चुनाव में मतदान किया। भुवन कापड़ी ने कहा कि इस बार कांग्रेस की उत्तराखंड राज्य में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। आज जिस हिसाब से लोग उमड़ कर आ रहे हैं उत्साह के साथ, तो सब इंतजार कर रहे थे कि इस महंगाई और बेरोजगारी से कैसे निजात मिले, कि आवारा पशुओं से कैसे निजात मिले, कैसे खटीमा से जल भराव से निजात मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग निकल कर आ रहे हैं उत्साह के साथ, इंतजार कर रहे थे कि परिवर्तन करना है और परिवर्तन का मन बना कर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आज परिवर्तन तय है और इसका नतीजा 10 मार्च को आपको दिखाएंगे। 45 पार कि आप देख ही रहे कि लोगों में कितना उत्साह है कि लोग इतने टाइम से इतने परेशान थे और आज उन्होंने ये मन बना लिया है कि हमने इस सरकार की विदाई करनी है और एक नई सरकार कांग्रेस की सरकार लानी है जो हमारे हित के लिए सोचे, हमारे हित के लिए कार्य करे। और मैं तो देख रही हूँ युवाओं में ज़्यादा जोश है, क्योंकि युवा सबसे ज़्यादा परेशान था बेरोजगारी से। घर लोग तो परेशान थे ही महंगाई से, लेकिन युवा जो परेशान था वो बेरोजगारी का मुद्दा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा था। और मैं यही कहना चाहूँगी लोगों में उत्साह है और निश्चित हमारी विजय है और इस बार कांग्रेस की सरकार बहुमत के साथ बनेगी। कुछ सफल जो बदलाव की हवा चल रही है वो बिल्कुल सफल रहेगी, क्योंकि ये लोगों ने ही मन बनाया कि इस बार बदलाव होगा और ये सफल ये जो हवा है बिल्कुल कामयाब होगा।